हेलो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं बैरियर्स कैटेगरीज थ्योरम के बारे में। आइए इसे जानते हैं। इस थ्योरम को आपकी एग्ज़ाम में 7 नंबर में पूछा जा सकता है। और इससे पहले हम लोग कैंटर्स थ्योरम के बारे में जाने थे, चलिए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, कहता है स्टेट एंड प्रूफ बैरियर्स कैटेगरीज थ्योरम। अब यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट देना है। स्टेटमेंट इसका क्या है, देखिए स्टेटमेंट कहता है कि मान लीजिए एम डी बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। कह दिया आप, मान लीजिए हमारे पास जो एम डी है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है और क्या है एफ एन। ओके, ये कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। आगे कहता है इज अ सिक्वेंस ऑफ क्लोज्ड सबसेट, और उसका जो सिक्वेंस है मतलब जो क्लोज सबसेट ऑफ एम वो किसका होगा, आपको एम का होगा। एम इज अ मैट्रिक स्पेस। कहता सच डेट आपको जो है वो इस प्रकार है एफ बराबर का, ये आपको यूनियन है। हमने आपको कैंटर्स थ्योरम में स्टूडेंट आपको इंटरसेक्शन में दिखाया था, राइट। और यहाँ पर जो है ये यूनियन है। जस्ट देखिए कैंटर्स थ्योरम देखिए, फिर इसको मिलाइए, दोनों में कुछ ना कुछ आपको सिमिलरली दिखेगा। ये आपको जो है n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है। आप एक्चुअल में 1 डालेंगे तो f1, 2, f2, f3, f4, f5, fn तक है। अब कहता है तब एट लीस्ट 1 fn कंटेन्स अ क्लोज्ड स्फीयर। कहता है एट लीस्ट मतलब कम से कम जो है 1 fn कंटेन्स करता है क्लोज्ड स्फीयर, कम से कम एक। तो ये आपको क्या करना है, ये इसका क्या था, स्टेटमेंट था, ये आपको बताना था। हमने प्रूफ में क्या किया, देखिए प्रूफ में बोल दिया कि अगर संभव हो तो इफ़ पॉसिबल, इफ पॉसिबल लेट नो एफ एन। कहता है अगर संभव हो तो एफ एन के पास कोई भी स्फीयर कंटेन नहीं करता। ये हमने कंटेन किया एक्चुअल में, यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक स्फीयर कंटेन कर रहा है, लेकिन हमने बोला कि एफ एन जो है कोई भी स्फीयर कंटेन नहीं कर रहा है। ये हमने संभव मतलब पॉसिबल किया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, दिखाएंगे कि नहीं कि आपको ये कंटेन करता है। देखिए अगर ये कोई स्फीयर कंटेन नहीं करता है तो एफ डज नॉट कंटेन्स एनी क्लोज्ड, एफ डज नॉट कंटेन्स एनी क्लोज्ड स्फीयर। अब कहता बोला भाई साहब अगर ये कंटेन्स नहीं करता है तो एफ एन नहीं करता है, तो मतलब एफ भी कोई भी स्फीयर कंटेन नहीं करता है। अगर याद रखें जो क्लोज्ड स्फीयर होता है वो क्लोज सेट होता है, इज अ मैट्रिक स्पेस का प्रॉपर्टीज। इसके अनुसार हम स्टूडेंट यहाँ से बता सकते हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो ये आपको क्लोज सेट भी कंटेन नहीं करेगा। ओब्वियसली जो क्लोज्ड स्फीयर होता है इज अ क्लोज सेट। नहीं, ये चीज था। हमने यहां से एक छोटी सी चीज है वापस से इसमें लेट कर लिया। मान लिया जो अपना के है ना, देखिए मैंने 3 चीज लिया, के लिया, एस लिया, डब्ल्यू लिया। एक्चुअली में इन दोनों में हमने क्या किया, देखिए कि के बराबर में एक्स बिलोंग्स टू एम, इसका ये मतलब है ये एम का मेंबर है एक्स, राइट। ये एक्स और एक्स नोट, भाई साहब ये क्या चीज़ है, और लेस देन इक्वल टू आर। देखिए मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख चुका हूँ, इज अ क्लोज्ड स्फीयर। ये क्या चीज़ है, एक क्लोज्ड स्फीयर है विथ रेडियस आपको आर होगा और इसका जो सेंटर होगा वो आपको एक्स नोट होगा। ये बात क्लियर है। हमने के बराबर में लिया स्टूडेंट एक्स जो एम का मेंबर है मेट्रिक स्पेस का, एक्स और एक्स नोट जो डी है डिस्टेंस का काम करता है ना, वो आपको लेस देन इक्वल टू आर है। एक्स नोट इज अ सेंटर एंड आर इज अ रेडियस, ये चीज है मैंने लिया, ये लेट किया। उसी प्रकार हमने एस के लिए भी ये काम किया। देखिए ना एस के लिए भी एक्स बिलोंग्स टू एम, मतलब ये एक्स जो होगा एम का मेंबर्स होगा, और ये एक्स और एक्स नोट R बाई टू। सर आपने R बाई टू क्यों लिया, यहाँ तो आपने R लिया। एक्चुअली बात यू है कि हमें जो है ना इससे जो R बाई टू लिया, इसका ये मतलब है ये जितना बड़ा स्फीयर होगा ये उसके अंदर में होगा, है ना, इसका मतलब ये हुआ R बाई टू, मतलब इससे कम। तीसरा वाला जो लिया पहले, देखिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब क्या करता है ये, इसमें जो है एक्स जो होगा क्या होगा, इसका मेंबर होगा, लेकिन एक कंडीशन है, आप देख लीजिए एक्स जो होगा वो एफ का नहीं होगा। ये चीज है एक्स जो होगा एफ में कंटेन नहीं करता है, ये चीज। देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड स्फीयर, मैंने एक सिमिलरली आपको ए के एस
और W के लिए भी काम कर लिया, बोल दिया भाई साहब एक्स एम का मेंबर है, एक्स और एक्स वन मतलब यहाँ पर एक्स वन क्या हो जाएगा मुझे ये बताइए, सेंटर, रेडियस क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। मैंने तीन चीज़ लिया। अब देखिए तीन चीज़ में कॉमन बात ये होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि ये जो है आपका आर बाई टू है, ये R है, ये R1 है, इसका ये मतलब है अगर मैं W और K की बात कर लूँ तो K इज अ ग्राउंड स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर, उसके अंदर R1, K के अंदर में, या फिर R बाई टू की बात करें तो K के अंदर में ही होगा। अब जिसके अंदर में वो है मतलब इसका क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब क्या हो चुका है स्टूडेंट, ये जो W है ना वो W किससे, के से क्या है, उसका रेडियस क्या है, R है या R बाई टू है, मतलब उसके क्या आपको अंदर में है, जिसे हमने क्या किया एक सबसेट के रूप में दिखाया, ऐसे होता है ना सबसेट के रूप में, बिल्कुल। अब देखिए आगे मैं बात कर लूँ, X अगर W का है, X W का है, X1 एस का है, देखिए कैसे तो मैं बता दूं, अगर ये W का है तो X और X1 क्या होगा आपको, R बाई टू होगा। ये छोटी सी चीज़ें पहले लेट कर लिया कि भाई साहब ये जो X जो होगा ना अगर W का मेंबर्स है तो इसका जो डिस्टेंस होगा D और X1 में वो लेस देन इक्वल टू R बाई टू होगा। उसी प्रकार हमने S में भी वही बात किया कि X1 जो होगा अगर आपको S का मेंबर है तो ये क्या होगा X1 और X नोट वो भी R by 2 होगा। और हमने डायरेक्ट चले गए मेट्रिक प्रॉपर्टीज, याद होगा तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टीज था ट्रेंगुलर वाला। देखिए X और X नोट पे हमने निकाला ये क्या है आपको डी एक्स और एक्स वन प्लस डी एक्स वन एक्स नोट, इससे क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट, ये दोनों हमने जो दिखाया उन दोनों का वैल्यू R बाई टू, R बाई टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। मतलब आपको सिंपल सी चीज़ है, ये ऐसा दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब ये वाला ये है और ये है, दोनों की जगह पे R बाई टू आ गया। अब देखिए दोनों R बाई टू आ गया, अब इस R बाई टू से अपने को कुछ फ़ायदा हुआ, दोनों का लघुत्तम टू, आर कैंसिल मतलब टू कैंसिल इज आर, देन ये X और X नोट इज इक्वल टू जो हुआ आपको क्या हुआ लेस देन इक्वल टू R हो गया। इसका ये मतलब हो गया स्टूडेंट कि हमने जो अभी काम किया एक्स का जो भी मेंबर था W के इज अ ग्राउंड, मतलब के जो हमने किया क्या किया था R बाई टू उसके अंदर, मतलब W और K का क्या था सबसेट था, हमने पहले भी ये चीज़ देखा था। तो ये चीज़ आपको W और K का वापस से सबसेट आ गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे स्टूडेंट W इज अ क्लोज्ड, मतलब क्या हुआ कि W एक क्लोज्ड स्फीयर है, स्फीयर देन कंटेंट इन के लेकिन के में ओके। अब देखिए विच इज डिसजॉइंट फ्रॉम एम, सर आपने यहाँ पे डिसजॉइंट क्यों लिखा फ्रॉम एफ से, एक्चुअली में क्या है कि हमने बोला था कि जो एक्स जो होगा वो आपको अगर एस में होता या फिर डब्ल्यू की बात कर लीजिए लेकिन ये आपको F में नहीं होगा, ये चीज़ हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं राइट ना, तो ये जो होगा आपको डिसजॉइंट होगा फ्रॉम F के मेंबर से, मतलब उसमें ये है ही नहीं तो अलग ही होगा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर नाउ अब हमने बोला अब जो है के बी एनी क्लोज्ड स्फीयर विथ रेडियस R, बोल दिया भाई साहब के कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कितने हैं R, अब बोल दिया इसका रेडियस R है, ये चीज़ लेट है, तो देयर एग्जिस्ट के वन इज अ क्लोज्ड विद रेडियस आर। अब तो ले लिया अपन, देखिए एक्चुअली यहाँ पर करना क्या था स्टूडेंट, के हमने जो लिया ना कोई भी स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मैं के को एक छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया, जैसे के वन के टू के थ्री, इससे सर क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, अपना थ्योरम प्रूफ होगा। देखिए जैसे देयर एग्जिस्ट के वन इज अ क्लोज्ड विद रेडियस आर, के वन के लिए भी के टू के लिए भी के थ्री के लिए भी भाई ओके, सच डैट इस प्रकार जहाँ K1 जो होगा ना लेकिन F1 की बात कर ले स्टूडेंट, पहले ये भाई साहब आपका डिसजॉइंट हो चुका है, जो K1 होगा F1 होगा वो भी क्या होगा एक फाई होगा, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन है ही नहीं है, ये इससे ये मिला। चलिए आगे आल्सो देयर एग्जिस्ट क्या K2 के लिए भी चला भाई लेकिन रेडियस हाफ, सर ऐसा क्यों, मैंने बोला भाई साहब ये जो R1 है ना एक बड़े स्फीयर वाला है और उसी के अंदर R2 भी है, ऐसा क्यों सर, क्योंकि उसका रेडियस हाफ है तो उसके अंदर, मतलब एक दूसरे से क्या हुआ
कमते गया रेडियस, जिससे क्या होगा देखिए कि इसका रेडियस हाफ हुआ, इसका मतलब K2 और K1 में क्या होगा भाई साहब, K1 बड़ा था जिसका रेडियस बड़ा वाला था, R था K2 जिसका R/2 था, इन दोनों में क्या होगा कभी भाई, इन दोनों सबसेट हो गए, नहीं होगा, K1 सबसेट इज K2, यही नहीं हुआ, मतलब जो भी है K1 में जितने सारे मेंबर्स होगा वो क्या होगा K2 में होगा, K1 इज द ग्राउंड स्फीयर एंड K2 और F2 भाई साहब हम इसमें भी बोलते हैं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, F1 वाली बात या F2 वाली बात इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, जिससे कि आपको यहाँ पर सिमिलरली हमने दिखाया कि ये कैंटर्स थ्योरम की बात है कि अगर ये चीज़ अच्छा वहाँ पर भी हमने देखा था राइट ना, हाँ ये जो K1 है क्या है, K2 इसका क्या है सबसेट है, मतलब क्या हुआ K1 का जितना सारा मेंबर होगा वो K2 में होगा, मतलब ये इसके अंदर में, ये इसके अंदर में जस्ट क्या है इसके अंदर में, इसी प्रकार आगे भी होगा। अब देखिए आलसो, अब ये चीज़ मैंने ये चीज़ देखा कि जो ये डेल लिखा हुआ ओके है, ये आपको 1/n है, ये आपको एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्चुअल में हमने कैंटर्स थ्योरम में देखा था अगर कोई एक दूसरे का क्या होता आपको सुपर सेट होता, ये सुपर सेट है एक्चुअल, हाँ राइट हाँ सुपर सेट राइट हाँ, ये सुपर सेट है, क्या होता वहाँ पर कि जो लिमिट होता डेल के एन या फिर डेल वहाँ पर fn चलता था, हाँ fn चलता था, जो आपको यहाँ पर आपको अगर डेल fn क्या होता था एज आपको जीरो होता है तो एज n टेंस टू क्या होता था इन्फिनिटी, लेकिन हमने ये 1/n इसलिए दिखाया, देखिए ये 1/2 है 1/3 इस प्रकार इसका रेडियस आता रहेगा, इसीलिए इसमें क्या होगा n में चेंजिंग होता रहेगा, इसीलिए ये इस तरीके से दिखा दिया ओके। अब यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे कैंटर्स थ्योरम लिखेंगे और उससे काम कर लेंगे। तो स्टूडेंट अपन जो है यहाँ से फाइनली आपको जो है इधर आ चुके हैं, देखिए ये छोटी सी चीज़ है जो लिख दी है, ये क्या था हमने बोला कि अब चलते हम लोग कैंटर्स थ्योरम के ऊपर, ये कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम कहता है कि आपको ये चीज़ एफ़ में होता है, एक्चुअल में ये चीज़ एफ़ में होता है डोंट वरी, लेकिन उसमें भी जो कंडीशन होता है स्टूडेंट वो ये वाली होती है कि अगर K1 सुपर सेट K2 K3 अगर सुपर सेट करे कंडीशन से होता है तो हम लोग वहाँ पर कहते हैं कि जो हमारा FN है ये चीज़ आपको होता वहाँ पर लेकिन आपको FN में होता है डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर हम लोग K में इसलिए क्योंकि यहाँ पर K में है तो हमने बोला कि ये जो K जो होगा ना K बराबर में वो आपको इंटरसेक्शन होगा N बराबर 1 मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक KN, लेकिन उसमें क्या चलता है इंटरसेक्शन होता है इन्फिनिटी लेकिन FN के लिए, तो क्या दिक्कत है भाई साहब हमने K में लिखा तो क्या गड़बड़ है क्योंकि हम तो यहाँ पर K के साथ काम कर रहे हैं, यही चीज़ है तो KN और FN में कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ से हमने नहीं देखा सर, देखिए यहाँ पे K1 था F1 था जिसमें कोई कॉमन नहीं था, K2 था F2 था जिसमें कोई कॉमन नहीं था, उसी प्रकार KN और FN में भी कोई भी कॉमन नहीं होगा, के कंटेंट्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ एफ। अब देखिए भाई साहब इसमें क्या बोला कि कोई भी कॉमन नहीं है ना के में ना एफ में, इसीलिए के जो है कंटेंट्स करता एग्जैक्टली एक एलिमेंट यहाँ पर, तो आपको अच्छा ये वाले कंडीशन से भी ये ना था वहाँ पर हमने साबित किए थे एग्जैक्टली एक एलिमेंट कंटेंट्स करता है बाय कैंटर्स थ्योरम, अगर ये सिचुएशन है तो क्या बोलते कंटेन आपको एक एलिमेंट वहाँ पर एफ था तो एफ इज़ अ एक एलिमेंट कंटेंट्स करता है या एफ एन, लेकिन यहाँ पर आपको के में है तो ये भी हम बोलेंगे एग्जैक्टली एक एलिमेंट कंटेंट करता मेट्रिक स्पेस ए में। अब मान लीजिए कि एक्स बिलोंग्स टू के है, मतलब बोल दिया गया कि एक्स नॉट जो है आपको क्या है के का मेंबर है, अब यहाँ पर ये जो है एक्स ये जो होगा एक्चुअली में ये दोनों मेंबर्स इसका नहीं होगा, ये एक्स नोट एफ का जो इसका है वो इसका नहीं होगा, आपको देखिए एक्स नोट इज अ के एन, मतलब क्या है अगर इस प्रकार देखिए तो भाई साहब ये एक्स नोट जो है के से बिलोंग करता है जबकि एक्स नोट जो होगा वो एफ से बिलोंग नहीं करेगा, हम लोग ऊपर से ही लेकर आए हैं ऐसा ना, हाँ तो यहाँ पर एक्स नोट जो होगा वो के एन, मतलब जब K से बिलोंग करता है तो KN से बिलोंग करेगा, K2 से भी K3 से भी K5 इसी प्रकार KN से भी, इसीलिए एक्स नोट जो होगा FN, मतलब ये F1 F2 F3 अगर जो भी हो जाए उन सभी के लिए ये चीज़ है, मतलब 1 2 3 जो रखेंगे सब में ये काम करेगा, हेंस फाइनली अपना जो बोल सकते हैं ये जो F जो होगा N का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक FN, ये आपको इसका क्या होगा यूनियन होगा, ये चीज़ अपने को दिखाना, क्योंकि देखिए जो K का मेंबर है वो FN में
नहीं है। इसका ये मतलब है कि FN में आपको F1, F2, F3 ये सब चीज़ तो होगा ना, इसीलिए आपको क्या कर दिया गया यहाँ से, हेंस फाइनली n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक FN ये चीज़ इसमें होगा। तो ये चीज़ अपने को क्या करना था, दिखाना था। तो बहुत प्यारी सी चीज़ थी, मतलब बहुत प्यारा सा ये आपको थ्योरम था और काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम था। एग्जाम में 7 नंबर में इस टाइप का थ्योरम पूछ लेता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर।